कहूँगी हमारे पास सैमसंग का डेढ़ टन का स्प्लिट है, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि थोड़ी देर ये चलता था आउटडोर और विदाउट एरर ये बंद हो जाता था, कोई एरर वगैरह इस पर नहीं आता था। ये इसका ओल्ड पीसी भी था, हमने ये चेंज किया जब भी प्रॉब्लम यही था, और ये न्यू पीसी भी हमने लगाया इसमें भी यही प्रॉब्लम करता था। अभी आप देख लेंगे नॉर्मल चल रहा है, लेकिन अभी ये तकरीबन आधे घंटा हो गया। फिर आप इसके अंदर पानी चेक कर सकते हैं, इतना पानी इसमें हमने इसको ऐसे लटाया हुआ मतलब चेक करने के लिए, तो सारा पानी इसके अंदर जो है वो फिल हो गया। अच्छा, मसला ये थोड़ी देर चलता था तो विदाउट एरर बिल्कुल बंद हो जाता था, कोई भी ना इंडोर पे एरर आता था ना आउटडोर पे एरर आता था, कुछ भी एरर ये बिल्कुल भी शो नहीं करता था। हमने फोर वे वेल्व जो है वो भी निकाल दिया इसका, उसके बाद भी जो है ये वही मसला कर रहा था। ठीक है, बेसिकली प्रॉब्लम जो था वो ये हमारा इंडोर का सर्किट है, मेन पीसीबी, ये प्रॉब्लम इसका था। अभी देखेंगे, मैंने न्यू पीसीबी इसमें इंस्टॉल किया हुआ और पुराना पीसीबी जो है हमारा ये है, पुराना पीसीबी मैंने इसमें से निकाल दिया, जिसकी वजह से जो ये प्रॉब्लम कर रहा था थोड़ी देर चलता था आउटर और थोड़ी देर में बंद हो जाता था। अभी ये तकरीबन आधे घंटा या आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया और जब से ये चल रहा है और फर्स्ट क्लास चल रहा है। ये इसके सेंसर हैं इंडोर के, ये हमने सेंसर भी चेक कर लिए, सेंसर बिल्कुल ओके थे, सेंसर पे कोई भी मसला नहीं था। हमने जो है वो पुराने सेंसर न्यू पीसीबी के साथ लगाए और वो माशाल्लाह उसी के हिसाब से जो है वो अभी फर्स्ट क्लास जो है हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। आप इसमें ये पानी भी देख सकते हैं, तब इसको आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कितना टाइम से ये चल रहा है एसी। अच्छा, हमने इसके जो है वोल्टेज वगैरह एम्पीयर्स वगैरह हर चीज़ तकरीबन चेक कर ली थी और सारी वायरिंग वगैरह वो भी चेक कर ली थी, लेकिन फिर भी जो है ये प्रॉब्लम नहीं, मतलब प्रॉब्लम जब भी कर रहा था और आउटर हमारा वाइब्रेट हो रहा था, वाइब्रेट तो खैर अभी भी हो रहा है, वो तो खैर बॉडी का वाइब्रेशन है, अगर बैलेंसिंग नहीं होगी तो वो बॉडी वाइब्रेट करेगी। तो आप ये देख सकते हैं इसमें कम्युनिकेशन जो है वो नॉर्मल है, और कभी भी अगर आपको चेक करना हो नॉर्मल तो आप इससे चेक कर सकते हैं। ये जो है रेड लाइट कंटिन्यू जलती रहेगी और ग्रीन लाइट जो है वो ब्लिंक करेगी, येलो जो है वो ऑफ रहेगी। अगर कोई एरर वगैरह देगा तो ये लाइट्स ब्लिंक करेंगी, इसकी वजह से आपको एरर जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। इस सर्किट के ऊपर जो है ये इसका कवर लगा होता है जिसमें एरर लगे होते हैं, इसमें आप एरर की लाइट्स चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।